मध्य कश्मीर के जिला बडगांव में आज सुबह एक संक्षिप्त मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया जबकि दूसरे को जिंदा गिरफ्तार किया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने AK-47 पिस्तौल व उनकी मैगजीन भी बरामद की है। IGP कश्मीर विजय कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि एक आतंकी को मार गिराया है जबकि दूसरे को जिंदा पकड़ने में सुरक्षाकर्मी सफल रहे हैं। आज सुबह पुलिस को बडगांव में मानचाओ इलाके में कुछ आतंकवादियों के देखे जाने की सूचना मिली। सूचना के आधार पर पुलिस की SOG सेना और CRPF का संयुक्त दल मानचाओ पहुंचा और तलाशी अभियान शुरू की। जिस जगह आतंकी छुपे हुए थे जैसे ही सुरक्षाकर्मी उस ओर बढ़े आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। बार बार अपील करने के बाद भी जब आतंकवादियों ने हथियार डालने से इनकार कर दिया तो सुरक्षा बलों ने जवाब में फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान करीब आधे घंटे के भीतर ही सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को वहीं ढेर कर दिया। साथी के मारे जाने के तुरंत बाद दूसरा आतंकी फायरिंग करते हुए पुलिस गिरा तोड़ मुठभेड़ स्थल से भाग निकलने में सफल हो गया। सुरक्षा बलों ने भी फरार आतंकी का पीछा नहीं छोड़ा। मानचाओ से निकल आतंकी एक ट्रक में सवार होकर जैसे ही खिरयू इलाके में पहुंचा सुरक्षा बलों ने वहां उसे घेर लिया। जैसे ही सुरक्षाकर्मी आतंकी के पास पहुंचे उसने एक बार फिर से गोलीबारी शुरू कर दी और सुरक्षा बलों ने आतंकवादी को हथियार डालने के लिए कहा। पहले तो वह नहीं माना परंतु जब सुरक्षा बलों ने उसे उसके परिजनों का हवाला दिया तो वह आत्मसमर्पण करने को तैयार हो गया। सेना ने उसे गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले कर दिया। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।